जानवरों के खतरनाक खेल दिखाने वाले इन लोगों को गरीब समझने की भूल कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में जानने के लिए कि कैसे ये लोग लाखों कमाते हैं और ये मास्क कैसे पैदा करता है ऑक्सीजन, और क्या आपने WWE में धूल चटाने वाले इस भारतीय रेसलर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 6, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में क्रोकोडाइल रेसलर नाम की ऐसी यूनिक जॉब भी मौजूद है जिसमें एक इंसान कुछ इस तरीके से खतरनाक क्रोकोडाइल के मुंह के मुंह में अपनी कलाई और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डालकर लोगों का मनोरंजन करता है। दोस्तों, उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इन रेसलर्स की इनकम लगभग 1000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब के आसपास होती है, और यही चीज इस जॉब को काफी ज्यादा रिस्की बनाने के साथ साथ हाईली पेड भी बना देती है। नंबर 5, दोस्तों एयरप्लेन में सफर करते वक्त एयर होस्टेस हमेशा कहती है कि जब भी विमान में प्रेशर कम हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तब ऊपर से गिरे हुए ऑक्सीजन मास्क को फटाफट से लगा ले, क्योंकि 18 सेकंड के अंदर अंदर ऑक्सीजन की कमी से आपकी मौत तक हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन भरी होती है? दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से पूरे प्लेन में आग लग सकती है, इसलिए इसमें भरे जाते हैं कुछ केमिकल्स, और जैसे ही ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं वैसे ही इस मास्क के अंदर के केमिकल्स कंबाइन करते हैं। थोड़ी सी जलने की स्मेल आती है, लेकिन उसके अलावा ये काफी सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक इंसान को 20 मिनट तक सांस लेने में मदद कर सकता है, और इतने समय में प्लेन एक सही एल्टीट्यूड पर आ सकता है जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। नंबर 4, दोस्तों वैसे तो WWE में बहुत सारी महिला इस चैंपियनशिप के लिए लड़ती है, लेकिन ये बात कुछ ही लोगों को पता होगी कि भारत के हरियाणा राज्य के जिंद जिले के एक छोटे से गांव मालवी में जन्मी कविता देवी WWE में लड़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रोफेशनल रेसलर है, और इनका वास्तविक नाम कविता दलाल है। इन्हें लोग द लेडी खली के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 2016 के एक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रिंग में उन्होंने अपने देश के संस्कार और वेशभूषा को नहीं भूला, और ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना 2 लाइक और कॉमेंट के चक्कर में लड़कियां ना जाने क्या क्या कर जाती है। नंबर 3, दोस्तों अपने जिंदगी में आपने काफी जीवों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, और वैसे भी दुनिया तो रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है, पर आइए जरा जानते हैं एकमात्र ऐसे जीव के बारे में जो धरती में 3 किलोमीटर नीचे रहकर भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, इस जीव का नाम है डेविल वॉर्म। ये साल 2011 में साउथ अफ्रीका के एक कोल माइन की खुदाई के दौरान मिला, और इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती की गहराई के 2 किलोमीटर नीचे कोई भी जीव सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि 2 किलोमीटर के नीचे हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन डेविल वॉर्म की खोज ने वैज्ञानिकों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। नंबर 2, दोस्तों आजकल के एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी और प्रमोशन के चक्कर में एक से दूसरे कंपनी में स्विच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एम्प्लॉय के बारे में बताएंगे जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान 84 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ब्राजील में रहने वाले वॉल्टर ऑर्थमन पिछले 84 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। वॉल्टर ने 84 साल पहले फाइबर बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू किया, और अपनी मेहनत और लगन से समय के साथ उनका प्रमोशन होता गया, और अब वो उस कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। यही नहीं, एक ही कंपनी में लगातार काम करने की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी दर्ज कर लिया गया है। नंबर 1, दोस्तों इस डिस्क को देखिए जरा, आखिर इसमें क्या है जिसे बनाने में नासा ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए? दरअसल नासा ने 1977 में एक सैटेलाइट को जब छोड़ा था, तब उसी समय उसमें डिस्क को भी इंस्टॉल कर दिया। इस डिस्क को गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। डिस्क के 2 हिस्सों में से एक हिस्से में 115 से भी ज्यादा कुछ इस तरह की तस्वीरें और 50 से भी ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज में साउंड और अलग अलग देशों की म्यूजिक को एनालॉग फॉर्म में प्रिंट किया गया है। नासा की इस डिस्क को इस उम्मीद से भेजा गया था कि आज से 100, 200 या हजारों लाखों सालों बाद वो सैटेलाइट किसी न किसी एलियन लोगों के हाथ लगे, तब वे हमारे बारे में जान सके। और आज के समय में ये सैटेलाइट सोलर सिस्टम को पार करके 23 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, और इस डिस्क के एक तरफ इस डिस्क के बारे में और सूरज और पृथ्वी के बारे में बताया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो ये डिस्क अभी 5 बिलियन साल तक खराब नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये डिस्क एलियन के हाथ लगेगी या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।